रायगढ़ में विगत दो वर्ष पूर्व बहुचर्चित स्वर्गीय अर्जुन रोहरा हत्याकांड में न्यायपालिका के द्वारा सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने एवं मृतक स्व अर्जुन रोहरा एवं उनके परिजनों को न्याय मिलने से सभी चकधर नगर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। विगत दो वर्षों पूर्व बहुचर्चित स्वर्गीय अर्जुन रोहरा हत्याकांड में न्यायपालिका के द्वारा सभी अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने एवं मृतक स्वर्गीय अर्जुन रोहरा एवं उनके परिजनों को न्याय मिलने से सभी चक्रधर नगर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं लोगों के द्वारा चक्रधर नगर युवा समिति के तत्वाधान में स्थानीय चक्रधर नगर चौक राजा चक्रधर नगर सिंह की प्रतिमा से कैंडल मार्च शहीद हेमू कलानी चौक तक निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की गई एवं न्यायपालिका को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान स्वर्गीय अर्जुन रोहड़ा के परिजन जिसमें उनके भाई विष्णु रोहड़ा एवं धनराज रोहड़ा के साथ साथ चक्रधर नगर युवा समिति के सभी सदस्यों सिंधी समाज के गणमान्य नागरिक एवं ऑटो चालकों ने भी इस कैंडल मार्च में उपस्थित होकर अपने चहेते स्वर्गीय अर्जुन रोहड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। एक्चुअली क्या है, अर्जुन रोहड़ा जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी सबसे अच्छी खास बात थी कि हमारे चक्रधर नगर में युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे अर्जुन रोहड़ा जी, और ईमानदारी और अपने हार्ड वर्किंग के कारण जो वो अपना एक अलग स्थान बनाए थे समाज में, इस कारण चक्रधर नगर में एक उनका और उनके परिवार का एक अलग स्थान है, और इसी कारण आज चक्रधर नगर के लोगों ने और जो आपके न्यायालय से जो निर्णय आया कि जो 12 लोगों को आजीवन कारावास, उसका स्वागत करते हुए उनको कैंडल मार्च के थ्रू श्रद्धांजलि दी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।